हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सभी घर पर होंगे, सेफ होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा क्लास 8 का चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। इसका हम फर्स्ट पार्ट पहले की वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम फ्लेम और एक्सटिंग्विशिंग फायर के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं या कोई फीडबैक देना है, कोई क्वेरी होती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, सो डैट मुझे वहाँ से क्लियर करने में आसानी होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में कंबशन के बारे में पढ़ लिया था। इसके साथ हमने ये भी पढ़ा था कि कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर होती हैं। तो हमने वहाँ पढ़ा था कि हमें एक कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए और साथ के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एयर। अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि अगर आग लग गई है और डिज़ास्टरस है, मतलब कि वो बहुत लॉस कर सकती है लाइफ का, प्रॉपर्टी का, लग जाती है ना इस तरीके से आग बिल्डिंग्स वगैरह में, तो हम उससे कैसे बचा सकते हैं बिल्डिंग्स को भी और लाइफ्स को भी। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें तीन कंडीशंस बताई गई थी कंबशन के लिए, अगर वो तीनों कंडीशंस ही ना मिले या उनमें से कोई एक कंडीशन ना मिले तो फायर अपने आप बुझ जाएगी। मतलब कि या तो कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम हटा दें, या फिर हम टेम्परेचर को कम कर दें, या फिर हम ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दें। तो वन बाय वन हम तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटाना। तो क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटाना, लेकिन अगर जहाँ पर आग लगी है तो उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को छोड़ करके हम वहाँ से बाकी सब्सटेंसेस को हटा सकते हैं। क्योंकि जब आग लग जाती है तो बाकी सब्सटेंस भी एज अ फ्यूल वहाँ पे एक्ट करते हैं। जैसे कि एक कैंडल से आग लग गई, अब उस कैंडल से एक रूम में जब आग लगी तो उस रूम में जितना भी फर्नीचर था, जितना भी वहाँ पे कपड़े थे, वो सब फ्यूल हो जाएंगे, जबकि वो पहले फ्यूल नहीं थे। तो हमें उस सब को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। सेकेंड है टेम्परेचर को कम कर देना। टेम्परेचर कम करने के लिए हम पानी फेंक सकते हैं, लेकिन अगर पानी तभी फेंकेंगे हम जब जो फायर है वो इलेक्ट्रिकल नहीं होगी तब, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रिकल फायर है तो वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स दे सकती है, करंट लग सकता है हमें, तो हमें उस केस में पानी नहीं फेंकना है। या अगर वो आग पेट्रोल से, डीजल से लगी है तो भी हमें नहीं फेंकना है पानी, क्योंकि पानी से हल्के होते हैं, ऑयल जो होता है ऊपर तैरने लगता है ना पानी पे, तो वो पानी के ऊपर जलता रहेगा और पानी नीचे बैठ जाएगा। तो हमें उस केस में इसका यूज़ नहीं करना है। उस केस में हम फायर एक्सटिंग्विशर्स या फिर सैंड या फिर मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एयर सप्लाई को कट कर देना। तो एयर सप्लाई को कट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी भारी चीज़ जहाँ आग लगी है वहाँ फेंक सकते हैं, जैसे सैंड हो गया, वाटर हो गया, मिट्टी हो गई, या फिर हम ब्लैंकेट्स का भी यूज़ करते हैं, आप सबने टीवी में देखा होगा। इसके अलावा आते हैं हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स जो कि सिलेंडर के फॉर्म में होते हैं, उसमें गैस भरी रहती है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हैवी गैस होती है, भारी होती है, तो वो जहाँ आग लगी है उसके ऊपर अपना एक कोट बना लेती है, कोटिंग हो जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। तो अब आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स दिखाई दे रहे हैं सिलेंडर्स के फॉर्म में। यह हम सब ने अपने घरों में या फिर इंस्टीट्यूट्स में या स्कूल्स में, ऑफिसेज में देखे हुए हैं, टीवी में भी देखा होगा आप सबने। तो ये जो रेड कलर का सिलेंडर दिखाई दे रहा है आपको, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई रहती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, या कुछ में जो होता है कुछ और केमिकल्स भी भरे हुए होते हैं, जैसे साइड वाला जो मैंने दूसरा लगाया यहाँ पिक्चर, उसमें क्या है, सोडा एसिड टाइप है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या है, जब हम इसका यूज़ करते हैं, आपको नॉब दिखाई दे रही है जहाँ वो चिमटी टाइप से लगी हुई है, वहाँ से क्या होता है, हमें इसको ओपन करना होता है, ये सिखाया जाता है हमें, जब हमें फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज़ करने के लिए हमें उसको कहीं पे इम्प्लांट करना होता है तब।
तो इसमें क्या होता है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी इस सिलेंडर से, तो जहाँ आग लगी है उसको ये कवर कर लेगी गैस, और वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई अपने आप रुक जाएगा और फायर जो होगी वो बुझ जाएगी। तो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, ये इसमें क्या होता है, सैंड होता है और बेकिंग सोडा होता है। जब इस मिक्सचर को हम फायर के ऊपर फेंकते हैं तो बेकिंग सोडा डीकम्पोज हो जाता है और क्या रिलीज़ करता है वहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड भारी है और वो क्या करेगी, फायर के ऊपर पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। दूसरा है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब सोडा एसिड जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें क्या होता है, एक छोटी सी ग्लास बॉटल आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ येलो कलर की, इस ग्लास बॉटल में सल्फ्यूरिक एसिड फिल है, जब और इसको हमने किस में रखा, एक आयरन के टाइट वेसल में बंद कर रखा है, और जिसमें कि उस टाइट वेसल में क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है येलो कलर का पोर्शन। तो जब नॉब टकराएगी या जब हमने उसको प्रेस किया तो क्या होगा, बॉटल जो है एसिड वाली वो टूट जाएगी, ब्रेक द कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा नीचे बेकिंग सोडा था उस पर प्रेशर पड़ेगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हो जाएगी, और फिर हमें उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। एक होता है फोम फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट एक केमिकल होता है, ग्लास बॉटल में रखा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की जगह, और जब हम बात करें तो उसको नॉब को प्रेस किया जाएगा, तो वहाँ पे प्रेस करने के बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फोम की तरीके से निकलना शुरू हो जाती है, और क्या करती है, पूरे एरिया को कवर कर लेती है और फायर जो होती है वो बुझ जाती है। सो आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं फ्लेम की। फ्लेम वो पार्ट होता है कंबशन का, वो रीजन है कंबशन का जहाँ पर कि जो फ्यूल है वो गैसेस फॉर्म में आ जाता है और बर्न होता हुआ हमें दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल हमने कैंडल जलाई तो कैंडल की जितनी भी वैक्स है वो मेल्ट होगी और जो उसके विक है, जो लॉ है उसकी, वो जलेगी और हमें जलते हुए ऊपर दिखाई देगी कि वेपर्स ऊपर निकल रहे हैं। तो वेपर्स बर्न होते हैं सो डैट वो क्या कर सके, फ्लेम प्रोड्यूस कर सके, है ना। तो अब फ्लेम प्रोड्यूस हो रहे हैं किसकी वजह से, कंबशन की वजह से, जो वैक्स वेपर्स का कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन में उसकी वजह से, तो फ्लेम बन गई। अब फ्लेम की बात करते हैं तो तीन जोन होती है फ्लेम की, इनर मोस्ट, मिडिल एंड आउटर मोस्ट। तो जो इनर मोस्ट है ये वो जोन है जहाँ पर कार्बन पार्टिकल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जहाँ पे पूरा ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है वो इनर मोस्ट जोन होती है, और यहाँ पे कंबशन नहीं होता है। कंबशन ना होने की वजह से इससे निकलने वाले पार्टिकल्स ब्लैक कलर के होते हैं। आपने देखा होगा कैंडल के ऊपर अगर आप कोई प्लेट रख दें छोटी सी, तो कैंडल की लॉस है वो ब्लैक हो जाता है पोर्शन थोड़ी देर बाद। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कार्बन पार्टिकल को बराबर ऑक्सीजन नहीं मिली थी, तो इसलिए वो ब्लैक पार्टिकल्स को निकालने लगे थे। सेकेंड है मिडिल जोन। जो मिडिल जोन होती है फ्लेम की उसे हम ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं, क्योंकि ये पार्ट जो है वो विजिबल होता है, दिखाई देता है, और यहाँ कार्बन पार्टिकल्स को जब हीट मिल जाती है तो वो ग्लो करते हैं और लाइट एमिट करते हैं, और किस कलर के लाइट एमिट करते हैं, येलो कलर की। तो ये फ्लेम का येलो पोर्शन होता है जिसे मिडिल जोन कहते हैं या फिर ल्यूमिनस जोन कहते हैं। थर्ड है हमारा आउटर जोन। आउटर जोन जो है हमारा ये नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, इसमें ये हॉटेस्ट रीजन है हमारे फ्लेम का, क्योंकि यहाँ पे एयर बराबर मिल रही है, तो यहाँ कंप्लीट कंबशन हो रहा है पार्टिकल्स का और वो पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और ये जो जोन है वो किस कलर की है, ब्लू कलर की जोन है। तो अब जो ल्यूमिनस जोन है फ्लेम की, इसमें भी कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से नहीं जल पाते हैं। तो अगर वो पूरी तरीके से नहीं जल पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उनको भी कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो वो क्या करेंगे, ब्लैक कलर के पार्टिकल्स को रिलीज़ करेंगे, जो अभी हमने बात की थी, ब्लैक की श्रिंग बन जाती है,
साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना देकर के कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा, जब भी किसी सब्सटेंस का इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो वो धुआं छोड़ता है और वहाँ पे इनकम्प्लीट कम्बशन होने की वजह से ब्लैक पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। जैसे कि गीली लकड़ी जलाई जाए तो वो काफ़ी धुआं करती है, इसका मतलब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला है। अगर हम बात करें गोल्डस्मिथ की, जो सुनार होता है, तो वो सोने और चांदी के जेवर बनाता है, तो उसको पिघलाता है वो, तो वो कौन सी जोन यूज़ करेगा? नॉन ल्यूमिनस जोन, मतलब कि जो आउटर जोन है, जो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है और ब्लैक पार्टिकल्स रिलीज नहीं करती है, तो वो उस जोन का यूज़ करेगा, क्योंकि वो हॉटेस्ट पार्ट है फ्लेम का। तो आई थिंक कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है, जोन्स ऑफ अ फ्लेम, हॉटेस्ट पार्ट है जो बाहरी पार्ट है, आउटर जोन जो कि कंप्लीट कम्बशन शो कर रहा है वो ब्लू कलर का है, जो हम अपने घर के चूल्हे में भी देख सकते हैं। दूसरा मॉडरेटली हॉट पार्ट जो है, ये क्या है, मिडिल जोन है, यहाँ पार्शियल कम्बशन हो रहा है, कुछ पार्टिकल्स जलते हैं और कुछ नहीं, जो कि येलो कलर का है। और थर्ड क्या है, लीस्ट हॉट पार्ट, जो कि जहाँ पे बहुत ना के बराबर गर्मी प्रोड्यूस होती है, पार्टिकल्स बर्न हो पाते हैं, इसको इनर मोस्ट जोन भी कहते हैं वैक्स वेपर्स के, जहाँ पर कि वैक्स वेपर्स पूरी तरीके से जल नहीं पाते और ये ब्लैक कलर का होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम के थ्रू ही समझाने की कोशिश की है आपको कि जो हमारे फ्यूल्स होते हैं वो वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कैंडल है, तो उसमें मैंने एक रॉड को इंसर्ट किया था जो बीच में से खाली थी, अब उसके थ्रू वेपर्स आए थे और मैंने उसके दूसरे एंड पर अगर माचिस की तिल्ली लगाई तो वहाँ पर एक छोटी सी फ्लेम मुझे दिखाई देगी, जो क्या शो कर रहा है कि जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो उसके वेपर्स बाहर रिलीज होते हैं, जो आगे चल करके फ्लेम प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा फ्लेम के बारे में। तो अब बात करते हैं फ्यूल्स की। तो जो मटेरियल्स बर्न होते हैं और बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम फ्यूल्स कहते हैं। अब फ्यूल्स हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारे घरों में, गाड़ियों में, इंडस्ट्रीज़ में, इन सब जगहों पे यूज़ होते हैं ना फ्यूल्स। हर तरीके के काम के लिए हमें हीट एनर्जी तो चाहिए ही काम करने के लिए, तो वो सब हमें फ्यूल्स से मिलती है। तो फ्यूल्स तीन तरीके के, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसेस फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स कौन से हो गए, जो दिखने में सॉलिड है, जैसे कोल, चारकोल, कोक, वुड, पैराफिन, मतलब जो हमारी कैंडल के लिए वैक्स आती है वो, ये सब सॉलिड फ्यूल्स हैं। लिक्विड में क्या आएगा, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब लिक्विड फ्यूल्स। और गैसेस में क्या, नेचुरल गैस हो गई एक तो, और एक जो हमारे घरों में आती है एलपीजी, बायोगैस भी हो गया, सीएनजी गाड़ियों में भी भरी जाती है। तो ये फ्यूल्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में पाए जाते हैं, मतलब कि अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। अब एक टॉपिक है यहाँ, कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ये हमें ये बताता है कि जो हीट इवॉल्व हुई, मतलब कि कितनी हीट निकली किसी फ्यूल के जलने पे। तो कोई फ्यूल बर्न हुआ, मान लीजिए 1 ग्राम फ्यूल था, तो उसने कितने किलो जूल या कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की। तो 1 ग्राम या 1 किलोग्राम फ्यूल जला और उसने 2 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस की, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो गई, 2 किलो जूल पर किलोग्राम, क्योंकि उसने हीट एनर्जी प्रोड्यूस की। अब इस बेसिस पे यहाँ टेबल है एक, वो देख सकते हैं हम, जिसे काउडंग केक है। 1 किलो काउडंग केक, मतलब उपले को जलाने के बाद 6000 से 8000 किलो जूल एनर्जी मिलती है। वहीं वुड है, उसको जलाते हैं तो 17000 से 22000। जिसकी जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, इसका मतलब वो उतनी ज़्यादा हीट दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो सबसे ज़्यादा हीट कौन दे रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो 1 किलो जलता है और वो लगभग 150,000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। तो अगर हम बात करें तो हम अपने घर में भी नोटिस करते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स आजकल हर जगह खाना बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये कम जलते हैं और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो आई थिंक कैलोरीफिक वैल्यू सभी को समझ। अब बात करते हैं एक गुड फ्यूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सबसे पहले इजीली अवेलेबल हो, मतलब सभी को मिल जाए। दूसरा, जल्दी से जल जाए,
मतलब कि अच्छे तरीके से जले, ये ना हो कि वो एकदम से जले और एक्सप्लोड हो जाए, फटने वाली चीज़ ना हो। दूसरा है, नेक्स्ट है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दे, मतलब कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो, हाई हो। इसीलिए हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ किया जाता है रॉकेट्स में, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, हाई है। नेक्स्ट है, इट शुड नॉट लीव एनी ऐश बिहाइंड, मतलब कोई राख नहीं होनी चाहिए। जैसे हम उपला जलाएं, लकड़ी जलाएं, तो उसको जलाने के बाद राख बन जाती है, तो वो एक अच्छे फ्यूल की खासियत नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। हमारे घरों में चूल्हे से नहीं निकलता है ना राख, तो इस तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट है, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ईजिली हर जगह तक पहुँच जाना चाहिए। रेडिली अवेलेबल होने के साथ साथ सस्ता होना चाहिए, चीप, ताकि हर कोई उसको खरीद सके और जब खरीदे तभी यूज़ कर सके। इसके बाद क्या है, सेफ़ हो यूज़ करने के लिए भी और स्टोर करने के लिए भी। ये ना हो कि हमने उसे स्टोर किया है बाद के लिए, ताकि इमरजेंसी में हम उसको यूज़ करें और वो क्या हो जाए, एक्सप्लोड हो जाए या फिर ख़राब हो जाए। तो एक गुड फ्यूल के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद दिया हुआ है, पहले हम लकड़ी को यूज़ करते थे घरों में और इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के तौर पे, लेकिन आज के टाइम पे हम उसको किससे रिप्लेस कर चुके हैं, कोयले से या फिर एलपीजी से। घरों में तो एलपीजी यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में हम कुछ जगहों पे कोयला यूज़ करते हैं, सो डैट वो हमको थोड़ा सस्ता पड़ेगा और हमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी उससे प्रोड्यूस करनी होती है। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी है वो जब जलती है तो काफ़ी धुआँ होता है, जिससे कि हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को बहुत ख़तरा पहुँचता है, लंग्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो उसके अलावा हमें क्या होगा, वुड के लिए हमें क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। तो वो लकड़ी जो है हमारी वो ट्रीज से आएगी ना, तो उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं, तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए वो क्या है, हार्मफुल। तो इसीलिए वुड को रिप्लेस कर दिया गया। अब है हार्मफुल प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। कंबशन करने के बाद बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे अभी हमने बात की लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, ये सब जब जलते हैं तो कुछ अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स भी निकलते हैं ना, हमने बात किया इनर जोन में, तो वो उससे क्या होता है, वो जो ब्लैक पार्टिकल्स निकले, जैसे हमने गाड़ियों से काला काला धुआं निकलते हुए देखा है, तो हम जब उसमें सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे जो लंग्स हैं, हमारी जो नोस्ट्रिल्स हैं, हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक हार्मफुल है, ये हार्म है जो हमारे लिए सही नहीं है। इसके बाद अगर ऑक्सीजन या फिर एयर की इनसफिशेंट सप्लाई मिल रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, और अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो एक क्लोज्ड रूम में चल रही है, जैसे कि हमने कोयला जलाया, तो कोयले को प्रॉपर ऑक्सीजन अगर नहीं मिल पा रही है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड उस रूम में फैलेगी, तो इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो एक पॉइजनस गैस है, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है, फ्यूल्स जो है जब कंबशन करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा नेचर में उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। क्यों? क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब हमने बात की थी कि कुछ फ्यूल्स में जो है, जैसे कि जो हमारे अर्थ से निकलते हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, कोल, इन सब में सल्फर और नाइट्रोजन भी होता है। तो अब जब वो फ्यूल जलेगा तो सल्फ़र नाइट्रोजन और जो हमारा है जल करके सल्फ़र डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पर एसिड रेन होगी, जो कि हमारे सभी तरीके की चीज़ों को डिस्ट्रॉय और डैमेज कर देंगे, चाहे वो बिल्डिंग्स हों, चाहे फॉरेस्ट हों, या मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हों। यह हमने सेवन्थ में भी पढ़ा था एसिड रेन के बारे में। और नेक्स्ट है हमारा कि पेट्रोल का यूज़, डीजल का यूज़ जो ऑटोमोबाइल्स में है, हमें उसको क्या कर देना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए सीएनजी से, और अगर पॉसिबल हो तो हमें कम से कम प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए, पब्लिक व्हीकल्स का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, सो डैट हम कम से कम हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ करें अपने एटमॉस्फेयर में, और हमारा एटमॉस्फेयर हेल्दी रहे, हार्मफुल ना हो। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया चैप्टर तो अपने क्वेरीज, अपने फीडबैक्स दीजिए, सो डैट मैं उसको क्लियर कर सकूँ और आपको समझा सकूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब